हैं कि उनको कुछ भेंट भी देना चाहिए, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है ये, लेकिन वो उतरे, उन्होंने वो भेंट स्वीकार भी की। और देखिए, शायद हो सकता है प्रधानमंत्री कुछ कहें। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हूँ गुजरात ना मतदारों पण हृदय थी खूब खूब आभार मानु छू कि एमने आ लोकतंत्र ना उत्सव ने आन बान शान साथ उजव्यो, खूब उत्तम प्रकारे चर्चाओं करी, गुजरात की जनता में नीर क्षीर विवेक छे એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, નમસ્કાર। બહુ અહેમ બાતે પ્રધાનમંત્રીને કહી હૈ। ये प्रधानमंत्री के नाम का शोर, उनके लिए नारे, ये आवाज़, ये प्यार, ये जन सैलाब जो उमड़ा है उनके लिए, उसका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री वापस काफिले में बैठते। काफ़ी अहम बातें गौरव उन्होंने कही। शुरुआत में करती हूँ, फिर आप जोड़ेगा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में गुजरात के मतदाताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया है, इसके लिए प्रधानमंत्री उनको धन्यवाद किया। अगर बिल्कुल, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को भी बधाई दी है, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व को और खूबसूरत बनाया है। तमाम जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम जो पिंक बूथ बनाए गए हैं, तमाम जो बूथों पर उनका सौंदर्यकरण किया गया है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन के यहाँ जमकर तारीफ की है। और मीडिया से जब प्रधानमंत्री मुखातिब हुए तो लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया है, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो महापर्व है इसमें जितना लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे उतना ही वोट प्रतिशत बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं जो जन भागीदारी है वो और ज़्यादा सुनिश्चित कर पाएगी, जिससे विकास का जो ढांचा है, विकास का जो मॉडल है वो और ज़्यादा हाईटेक और ज़्यादा विकसित होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, हमने देखा प्रधानमंत्री जब उतरे, आंखों में नूर, चेहरे पर मुस्कुराहट, और यही उन्होंने रेसिप्रोकेट किया वहाँ।